पंजाब में मोगा के निहाल सिंह वाला में लंबे समय से खाली पड़े मार्केट कमेटी के चेयरमैन के पद पर एडवोकेट परमपाल सिंह की ताजपोशी की गई। इस ताजपोशी के कार्यक्रम में पंजाब कैबिनेट के दो मंत्री जिनमें खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने शिरकत की। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। फार्मर्स का आढ़तियों का आम लोगों का जिमीदारा का इन्हों का फर्ज है कि उन्होंने ध्यान रखना और जो भी कोई चीज़ की कमी हो सरकार की निगाह च और कैप्टन साहब की निगाह च लिया। सो बड़ा खुशी का दिहाड़ा, मैं सारे परिवार को मुबारकबाद देना और इस नौजवान बच्चे वास्ते अरदास करना कि सच्चे पातशाह इन्हों काम करन दा शक्ति बल बख्शिश कर और ये अगे होर सियासी अपने मंजिल से उसके लिए दो और देते हैं। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए सरकारें अपना अपना योगदान दे रहे हैं, वहीं सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी कोरोना पर फतेह पाने के लिए काफी काम कर रही हैं। अगर बॉलीवुड की बात करें तो सोनू सूद जहां महाराष्ट्र में बहुत से काम कर रहे हैं, वहीं अब सोनू सूद के परिवार में जिनमें उनकी बहन मालविका सूद और सोनू के जीजा जी गौतम भी कोरोना योद्धा बनकर आगे आ रहे हैं। जहाँ सोनू की बहन मालविका सूद लॉकडाउन में बच्चों को फ्री ऑनलाइन शिक्षा दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मालविका मोगा के सरकारी अस्पताल के पूरे स्टाफ के लिए फेस शीट बांट रही हैं। वहीं इस मौके पर मालविका सूद ने कहा कि जहां हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं और सेहत कर्मी फ्रंट लाइन पर हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए जितना भी किया जाए उतना कम है। कोरोना जो बढ़ रहा है और लोगों में काफ़ी टेंशन बढ़ रही हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी तरफ से भी कुछ करूं और मैंने अराउंड 200 पेशेंट्स सिविल हॉस्पिटल में दी हैं और बाय इवनिंग मैं चाहती हूँ जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं मैं उनको भी शील्ड जैसे प्रोवाइड करूं और मैं वहाँ पर भी दूँगी। मुझे लगता है ये जो कोरोना का अभी चल रहा है लोगों में पैनिक, ये हम सबको बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि ये अकेला ये नहीं है कि किसी के टच से होगा, ये इवन एयर में भी है। तो मेरे को लगता है जो हमें इस चीज़ से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए और प्रिकॉशंस जो हमें बताए जाते हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम इससे बच के रहें। साढ़े हेल्थ डिपार्टमेंट में 200 के करीब फेस शील्ड दान की ने, मैं इन्हों का बहुत बहुत दिल धन्यवाद कर बंद हो गए। साढ़े पेशेंट साढ़े जो वर्कर है पॉजिटिव पेशेंट के नाल डील करे, जो असं इन फेस से ला के नाल पीपी किट देता पीपी किट का हिस्सा बन जाता एक, जे फेस नंगा होगा तो फेस से कोरोना का आ सकता वो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आने का खतरा रहता, वो सानू ये खतरा दूर हो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान पाली दुग्ध डेयरी अध्यक्ष प्रताप सिंह बिठिया के पिता के निधन पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शेखावत ने बिठिया के बाद बांकली ठिकाने पर नरपत सिंह के निधन पर पूर्व सरपंच निरंजन सिंह के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि शेखावत के आने की सूचना पर क्षेत्र के भाजपा के कई पदाधिकारी बिठिया पहुंचे। यूपी के बहराइच में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। पाकिस्तानी टिड्डियों के खेतों में अचानक हुए इस आक्रमण से किसान भयभीत हो गया है। बता दें कि खेतों में लाखों की संख्या में अचानक टिड्डियों ने धावा बोल दिया है जिससे किसान भौचक्के रह गए हैं। इन टिड्डियों को भगाने के लिए किसी ने थाली ढोल बजाया तो किसी ने मजीरा शंख बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। इसके अलावा टिड्डियां फसलों पर ना बैठें उसके लिए क्लोरोपायरीफास या लैम्डा साइहेलोथीन की दवा का घोल बनाकर पावर स्प्रे मशीन से छिड़काव कराने की राय दी गई है। यूपी के चंदौली में मानव रक्त का अवैध कारोबार करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इस रैकेट में शामिल स्वास्थ्य हॉस्पिटल और दोनों पैथोलॉजी शुभम पैथ लैब और वैभव पैथ लैब का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। दोनों लैब के संचालकों को गिरफ्तार भी किया गया है, साथ ही स्वास्थ्य अस्पताल के संचालक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इस मामले की जाँच के लिए पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है जो इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की जाँच में जुटी है। एक व्यक्ति दो पैकेट ब्लड लेकर के एक अस्पताल में देने जा रहा था और जैसे ही वो अस्पताल में घुसा पुलिस अपने पहले से मुखबिरी के हिसाब से वहाँ तुरंत वहीं पर उसको कैच पकड़ लिया।
वो अस्पताल हमारे यहाँ स्वास्तिक ट्रोमा सेंटर, स्वास्तिक हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर के नाम से रजिस्टर्ड है। तो प्रथम दृष्टया इस तरह के अवैध ब्लड के कारोबार के को देखते हुए उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, और जो व्यक्ति ब्लड का पाउच ले हो उसके बयान के आधार पर उसने दो पैथोलॉजी का नाम लिया था, पहले वैभव पैथोलॉजी का नाम लिया और फिर उसने शुभम पैथोलॉजी का नाम लिया, तो उन दोनों पैथोलॉजी को भी प्रथम दृष्टया पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए उन दोनों अस्पतालों का भी लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।